रत्न मदन मोहन मालवीय जी संस्था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जन्म दिवस पर आज नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल द्वारा मूर्ति पर फूल चढ़ाए गए, उन्हें याद भी किया गया है। जीवन परिचय के बारे में भी बताया गया है। सौ पूरे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद किया गया है, कविता के द्वारा ही सम्मानित किया गया। देख सकते प्राइम देखी दिवस चैनल के लिए खास रिपोर्ट पवन अग्रवाल के मुजफ्फरनगर से। अपना भाषण दिया वो इतना सराहनीय लगा, सबको इतना अच्छा लगा कि वो छा गए, वो आज भी विस्मरणीय है। कांग्रेस पार्टी के 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना उन्होंने ही की थी। आज मुझे इस बात पे बहुत गर्व होता है कि मेरे हस्बैंड भी वहीं के पास आउट किए हुए हैं, इंजीनियरिंग कर रखी है BHU से। ऐसे देश के समर्पित मदन मोहन मालवीय जी को मैं शत-शत नमन करती हूँ। उनकी इसमें मैं 4 पंक्तियाँ कहती हूँ। फूल हजारों खिले हैं इस चमन में, पर तुम जैसा नहीं दिखा। गुलिस्ता ए दुनिया में मालवीय जी तुम जैसा नहीं दिखता। यूं तो जन्म लेते हैं हजारों लाखों इस जमाने में, पर मालवीय जी तुम जैसा महापुरुष नहीं दिखता। पर मालवीय जी तुम जैसा महापुरुष नहीं दिखता। बस अटल तो अटल हैं क्या कहें हम, बस अटल तो अटल हैं क्या कहें हम। कहने को क्या बचा है, महापुरुष ने जीवन में भारत को जो दिया है। नहीं उतार पाएंगे हम उनका कर्ज इस धरा पर, बस शतक वंदन करते हैं उनके जन्म दिवस पर, उनके जन्म दिवस पर। आज हमारे परम श्रद्धेय मालवीय जी का 157वीं जयंती थी। उनके इस अवसर पर मैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, शत-शत नमन करती हूँ। आज ही हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म दिवस है, उनको भी मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। परम श्रद्धेय मालवीय जी एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार से थे। उनके पिता कथावाचक थे। बहुत ही छोटी उम्र में, जब वो 24 साल के थे, तो उन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में देश के प्रति